हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम आए हैं पानीपत के कालियम और आपको दिखाएंगे चल के क्या है कालियम में, इसका मतलब इसमें क्या क्या है, सारा कुछ दिखाएंगे। तो लेके चलते हैं आपको कालियम। तो हम आ गए हैं कालियम, वो सामने देखो, सामने दिख रहा है कालियम। तो सामने जो है वो गेट है कालियम का, तो अंदर चल के दिखाते हैं आपको कैसा क्या नज़ारा है। तो दोस्तों, हम अब अंदर आ गए हैं और देखो यहाँ का नज़ारा कैसा है। यहीं पर लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि 1761 में लड़ाई हुई थी। और ये देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, आगे चल के दिखाते हैं आप। तो दोस्तों, हर जगह के नाम के पीछे कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर होती है, जिसे कि बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक जगह है कालाअंब, जहाँ की पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इस जगह के नाम का एक ऐसा आम का पेड़ के कारण पर रखा गया है, जिसको काटने पर खून निकलता था। पानीपत की ज़मीन पर 3 युद्ध लड़े गए थे, जो कि पहला 1526 में, दूसरा 1556 में एंड तीसरा 1761 में लड़े गए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और मुग़लों के बीच लड़ा गया था। मराठों की तरफ से सदाशिव राव और मुग़लों की ओर से अहमद शाह अब्दाली ने नेतृत्व किया था। दोस्तों, यह कुछ गुफाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। और आगे चलते हैं, आपको बताते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपने इससे जुड़ी एक ख़ास बात के बारे में सुना है? क्या आपने सुना है उस पेड़ के बारे में, जैसे काटने पर उसमें से खून निकलता था? नहीं सुना तो आइए, आपको मराठों की याद में बनवाया गया है, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। और आगे चल के आपको दिखाएंगे, उसी जगह एक आम का पेड़ लगाया गया था। तो लेके चलते हैं आपको उस आम के पेड़ के पास। तो काला अंब के साथ एक अनोखा तथ्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान इस जगह पर एक काफ़ी बड़ा पेड़ हुआ करता था, जहाँ ये सामने आपको स्मारक सी दिख रही है, इस जगह पर बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। नीचे बहुत सारे सैनिक आराम करते थे, युद्ध के दौरान आराम करते थे। कहा जाता है कि भीषण युद्ध के कारण हुए रक्तपात से इस जगह की मिट्टी लाल हो गई थी, जिसका असर आम के पेड़ पर भी पड़ा था। रक्त के कारण आम के पेड़ का रंग काला हो गया था, तभी से इस जगह को काला अंब यानी काले आम के नाम से जाना जाने लगा। इस युद्ध में तकरीबन 70,000 मराठा सैनिकों की मौत हो गई थी। और दोस्तों, एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इस पेड़ पर लगे आमों को काटने पर उनमें से रस निकलता था, जो रस निकलता था। दोस्तों, जब ये युद्ध हुआ था तब ये स्ट्रक्चर सा बनवाया हुआ है, देख सकते हो इसमें। इसे खूबसूरत दरवाजों को बनवाया। यह दरवाज़ा अभी भी पानीपत म्यूज़ियम में रखा गया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो पानीपत म्यूज़ियम आएं और वहां जाकर देख सकते हैं। अब इस जगह पर एक स्मारक बना दिया गया है, जिसे काला अंब कहा जाता है। जैसे कि आपने सामने देखा था, यह वही स्मारक है जिसे काला अंब कहा जाता है, काला अंब का पेड़ था। हमारा काले अंब का ब्लॉग, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आगे आपको कहाँ की वीडियो चाहिए कमेंट में बताना।
कोशिश करेंगे हम वहाँ की वीडियो बनाने की। ओके, जय हिंद, जय भारत।